अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहां पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, ये भी इनको बुरा लगता है। क्या ये आयुष्मान भारत की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? ये 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। आपके लिए वह जाति हो सकती है, आपके लिए वो वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है, परिवार, और परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को, क्योंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइनअप करने में जो वक्त लगे, लेकिन उमड़ती हुई भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहां आ रहे हैं। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी, 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है, और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे, इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था, और मुझे बताते हुए गर्व है हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप जाइए कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है। क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं आज नेता विरोधी दल, आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आज के समय में न डॉक्टर थे और न